So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो चश्मा हटाने की लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी अभी Alcon ने लॉन्च करी है सितंबर 2024 में Wavelight Plus InnovEyes के नाम से, जिसमें फर्स्ट टाइम हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे ट्रेसिंग 3D 100% कस्टमाइजेशन से पेशेंट के चश्मे का नंबर हटाते हैं और पेशेंट को एक ईगल्स आई क्वालिटी विजन दे पाते हैं। तो जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने समझा होगा कि जब हम Wavelight InnovEyes प्रोसीजर करते हैं तो ये दो स्टेप्स का प्रोसीजर है। पहला स्टेप है सारी प्लानिंग करना। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये वाली मशीन जो आप देख रहे हैं ये है InnovEyes Sightmap की मशीन। इस एक मशीन में चार टेक्नोलॉजीज हैं। पहली टेक्नोलॉजी है हार्टमैन शैक वेव फ्रंट एनालाइजर, सेकेंड टेक्नोलॉजी है सैमफ्लंग टोमोग्राफी, थर्ड टेक्नोलॉजी है PCI पार्शियल कोहरेंट इंटरफेरोमेट्री और चौथी टेक्नोलॉजी है इंफ्रारेड इमेजिंग। तो इन चार टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग साइट मैप मशीन से पेशेंट की आंख का एक 3D डिजिटल अवतार बनाते हैं। तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियोस में समझाया हुआ है, फर्स्ट स्टेप होता है एक वर्चुअल अवतार बनाना आई का। तो ये मशीन है जिसकी हेल्प से हम एक 3D वर्चुअल आई अवतार को रेडी करते हैं InnovEyes की ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आई अवतार के लिए हम लोग मेजरमेंट्स कैसे कैसे लेते हैं। फिर जैसे मैंने आपको समझाया है, इस आई अवतार पे जो सॉफ्टवेयर है InnovEyes का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, वो इस आई अवतार पर एक वर्चुअल सर्जरी करता है और उस वर्चुअल सर्जरी को वो बार बार रिफाइन करता है आइटरेशन के प्रोसेस से, जब तक एक परफेक्ट लेज़र पैटर्न हमारे पास आ जाता है जिसमें 100% लाइट हमारे पर्दे पर फोकस करेगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देखिए, जहाँ पे मैंने प्रॉपरली एक एक स्टेप समझाया है कि आई अवतार को कैसे बनाया जाता है और वर्चुअल सर्जरी का प्रोसेस कैसे करा जाता है। फिर यहाँ से जो हमारा फाइनल लेज़र पैटर्न निकलता है उसको हम लोग लेज़र मशीन पर ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे फाइनल प्लानिंग करके उस पैटर्न से हम लोग पेशेंट के आंख का ऑपरेशन करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक एक स्टेप में आपको दिखाऊंगा कि होता कैसे है। तो पहला स्टेप है डिजिटल आई अवतार को क्रिएट करना, जिसके लिए हम लोग चार टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे वन आफ्टर अनादर। तो सबसे पहला हम जो कर रहे हैं इसमें टेस्ट, वो हम वेव फ्रंट एनालिसिस कर रहे हैं हार्टमैन शैक से। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। हम इधर आ जाओ, पीछे दिखाते हैं। सो इस प्रोसेस के लिए हमें बेसिकली लाइट्स को बंद करना होगा। ये प्रोसेस डार्क रूम में करा जाता है। जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स रहना है, आपको बिल्कुल भी अपनी आंखों पर जोर नहीं डालना। इनफैक्ट हम पेशेंट को कहते हैं कि आधा घंटा पहले अपना मोबाइल कंप्यूटर आप छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पर जब आप अपना चिन रखेंगे तो आपको इसके अंदर एक बलून दिखेगा, लेकिन वो बलून जो है वो ब्लर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। तो आपको अपनी आंखों पर जोर नहीं डालना उस बलून को क्लियर करने के लिए। उस ब्लर बलून की तरफ देखना है, रादर उसके पीछे देखना है, बलून के तरफ नहीं देखना। ऑफकोर्स जब आप यहाँ पे आएंगे तो हम आपको प्रॉपरली समझाएंगे कि ये टेस्टिंग कैसे करनी है। देखिए, सारा खेल यहाँ पे प्लानिंग और टेस्टिंग का है। अगर प्लानिंग टेस्टिंग परफेक्ट होगी तो सर्जरी का रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि सारा सिस्टम अब ऑटोमेटेड है और सारा सिस्टम अब 100% कस्टमाइज्ड है। तो मैं दिखाता हूँ पहली टेस्टिंग हम कैसे करते हैं। चलो बच्चे यहाँ रखो। तो जोया मेरे साथ है, वो मेरी हेल्प कर रही है इस पूरे सिस्टम को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। तो एक बारी पहले हम लाइट्स ऑफ कराते हैं। सो दोनों आंखों का करना होता है, लेकिन हम आपको राइट का ही दिखा रहे हैं। चल अब बच्चे, इसके अंदर आपको एक बलून दिखेगा, तो उस बलून जो है वो ब्लर है इस टाइम पे, उसको आंखों पे जोर नहीं लगाना उसको क्लियर करने के लिए, और उस बलून की तरफ देखना, रादर उसके पीछे देखना है, बलून की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना। ठीक है, चलो देखते रहो, अभी हम शुरू कर रहे हैं। सो अभी जो हम कर रहे हैं ये फर्स्ट टेस्टिंग है वेव फ्रंट एनालिसिस।
तो हमने पेशेंट को सामने देखने को बोला और हमने बटन को क्लिक कर दिया। सो आप देख रहे हैं मशीन जो है ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद मल्टीपल रीडिंग्स ले लेती है। क्लोज योर आईज, ओपन। सो हम हमेशा जब भी ये सब टेस्टिंग करते हैं तो हम मल्टीपल रीडिंग लेते हैं, हम एक रीडिंग पे रिलाई नहीं करते। तो इन सारी रीडिंग्स का एवरेज वैल्यू जो आएगा या इन सारी रीडिंग्स को सिमिलर होना है आगे प्रोसीड करने के लिए। ओपन, क्लोज, राइट। सो अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। अब हम कर रहे हैं शैम्फलंग टोमोग्राफी। ये जो आंखों का सामने वाला हिस्सा होता है, आगे का हिस्सा, उसकी इमेजिंग करता है। सो मैं दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। ओपन योर आईज, लुक एट द लाइट, नाउ डोंट ब्लिंक योर आईज, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक रीडिंग नहीं लेते, मल्टीपल रीडिंग लेते हैं। तो अभी हमने एक ले ली, अब हम एक और ले लेंगे। ऐसे हम लोग तीन चार रीडिंग्स ले लेते हैं जब हम पेशेंट को ट्रीट करना होता है। ठीक है, सामने देखते रहो बच्चे। तो थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा सकते हो, इधर आ जाए एक बार कि चलो लाइट थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पे एक कैमरा है जो मूव करता है और पूरे आंख का पिक्चर लेता है, मल्टीपल पिक्चर्स लेता है। तो वैसे तो ये सारी टेस्टिंग जो है इसको हम लोग डार्क एरिया में करते हैं लाइट्स ऑफ करके। बस वीडियो के लिए मैंने लाइट्स ऑन कर दिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि हम ये सब कर कैसे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बटन दबाया, इस मशीन का कैमरा घूमेगा और आंख के अलग अलग सेक्शंस की फ़ोटो ले लेगा और फिर उसको कंबाइन कर देगा। डन, राइट। तो हमारा सेकेंड स्टेप भी हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पे जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग इंटरफेरोमेट्री और इंफ्रारेड इमेजिंग करेंगे। सो इस स्टेप में क्या करते हैं हम, जो हमारी आंख के अलग अलग डेप्थ्स हैं उनको एनालाइज कर लेते हैं कि लेंस की थिकनेस कितनी है, आई की लेंथ कितनी है, ये सारा यहाँ पे एनालाइज हो जाता है। तो अभी एक रीडिंग लेके दिखा रहा हूँ, लेकिन इसमें भी मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं। तो अब ये सारा कुछ हमारी आई का सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अब जो इनोवाइज का सॉफ्टवेयर है ये एक 3D डिजिटल अवतार बनाएगा और उस पर सर्जरी करके बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान हमें दे देगा। 10 साल पहले इस काम को करने में 24 घंटे लगते थे, आज यही काम हम लोग 5 मिनट में कर लेते हैं, राइट। तो अब इससे हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे सारा डाटा मशीन पे और मैं मशीन में दिखाता हूँ आपको कि आगे हम लोग इसमें प्लानिंग कैसे करते हैं। अब एक बार इनोवाइज सॉफ्टवेयर ने जब फाइनल लेज़र पैटर्न निकाल लिया जिसमें बिल्कुल परफेक्ट करेक्शन होगी, रे ट्रेसिंग से चेक हो गया कि 100% लाइट जो है पर्दे पे परफेक्टली मैकुला पे फोकस हो रही है, अब ये सारा डाटा इनोवाइज की मशीन पर ट्रांसफ़र करा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अपग्रेडेड एल्कॉन की मशीन है जिसमें इनोवाइज ऑपरेशन हम लोग करते हैं और ये जो ट्रांसफ़र है ये ऑटोमेटेड है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैनुअल ट्रांसफ़र करना होता है, वेव नेट सिस्टम से ये ऑटोमेटिकली हमारे मशीन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर एक बार हम लोग सारा कुछ चेक कर लेते हैं कि प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई हुई है और फिर उस ट्रीटमेंट पैटर्न को पेशेंट की आंख पर डाला जाता है और पेशेंट के चश्मे का नंबर भी हटा दिया जाता है और उसकी विजन क्वालिटी को इतना बेटर कर दिया जाता है कि एक तरह से ईगल्स आई विजन पेशेंट की हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग फाइनल प्लानिंग कैसे चेक करते हैं और फिर सर्जरी कैसे होती है।